मॉडर्न डे वॉर में एयरफोर्स का रोल सबसे ज्यादा होने वाला है दोस्तों। हालांकि इस बात पर हम बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग भी यूज कर सकते हैं कि हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस पे बहस करना बेकार है क्योंकि मिलिट्री के लिए इनकी तीनों सेनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी का अलग अलग रोल है। लेकिन जिस भी देश के पास बेहतर एयरफोर्स होती है, एयर पावर होती है, उसे अपने दुश्मन के अगेंस्ट में ऑफेंसिव ऑपरेशन करने में उतनी आसानी मिलती है दोस्तों। फिलहाल हम भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे और कुछ हद तक उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और क्या हमारे लिए क्या जरूरी है अपनी मिलिट्री पावर को सशक्त बनाने के लिए, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी एयरफोर्स नेवी मिलिट्री के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन मिलिट्री के बारे में और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सारी बातें लेकर आते हैं आपको, ताकि आपको अपने देश के बारे में सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें मालूम पड़े और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बन पाए दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कर दे अभी तक नहीं किया तो, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद है इस समय पे, ये अभी के लिए पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी भी लड़ाई के लिए काफी है। लेकिन अगर हमें चाइना के साथ लड़ना पड़ता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चाइना की एयरफोर्स भारत के मुकाबले अभी काफी ताकतवर बन चुकी है और उसे काउंटर करना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी के लिए भारत के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ भी जो एयर सुप्रीमेसी है वो ज्यादा दिन तक शायद नहीं टिक पाए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि जब तक भारत के पास जो है फाइटर जेट नेक्स्ट जनरेशन के आएंगे उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उन पे वर्क कर लिया जाए। और कुछ लोग इस बात को लेकर मजाक कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है उसके लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज भूल जाते हैं दोस्तों कि भारत के मुकाबले कई गुना कम डिफेंस बजट के बावजूद भी और लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने के बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा अपनी डिफेंस फोर्सेस को भारत के अगेंस्ट में बराबर रखने के लिए जी जान से लगा रहता है। और अब भारत की तरफ से रफाल खरीदा गया था और मीटर मिसाइल पे वर्क किया गया था और उसको काउंटर करने के लिए तुरंत ही पाकिस्तान ने दोस्तों चाइना से PL-15 मिसाइल्स खरीद ली और एक्स्ट्रा मिसाइल्स खरीद ली, और वो भी तब खरीदे जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बेकार चल रही थी दोस्तों। तो हम इस बात पे बहस नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कब तक खरीदेगा और खरीदेगा नहीं खरीदेगा। आज तक पूरी दुनिया से भीख मांग मांग के भी वो अपने डिफेंस नीड्स को सबसे पहले पूरा करता है, चाहे उसके नागरिक भूखे ही क्यों ना मर रहे हों। और पाकिस्तान अपनी सुप्रीमेसी को बनाने की कोशिश करता रहता है, उनमें से कुछ स्पेसिफिक देश पाकिस्तान को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मदद भी करते हैं। अब एक दो महीने पहले ही बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान को टर्की की तरफ से अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रही थी। इसको लेके काफी पहले से पाकिस्तान और टर्की के बीच बातचीत भी चल रही थी, जिसमें टर्की की तरफ से पाकिस्तान को अपना जॉइंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पे भी अपने साथ शामिल करने का प्लान किया जा रहा था, जिसमें टर्की की तरफ से भी डेवलप किए जा रहे फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही थी। अभी की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था और 29 जुलाई को ही पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस प्रोग्राम में अभी अजरबैजान भी इन्वॉल्व होने वाले थे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो JET-24 को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, और पाकिस्तान जो खुद की फिफ्थ जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वो कई प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं कर पाए उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है जहाँ पे पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन पाकिस्तान फाइटर जेट्स को वो हासिल कर सकता है बाहर से, और हो सकता है वो भारत से पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को पहले हासिल कर ले। ऐसा क्यों हो सकता है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने का प्लान जो है ना, वो अपनी F-16 फ्लीट को चेंज करने के लिए बात कर रहा था और टर्की के साथ मिलके टर्की की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जिनका नाम कान बताया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में वो शामिल हो रहा है या फिर उसको खरीदता है तो पाकिस्तान उसको F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अब इनिशियली टर्की की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जो बात करें तो उनको डेवलप करने के लिए काफी वक्त लगने वाला है। इनिशियली लगा था कि 2035 से पहले ही ये इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि कर पाएगा क्योंकि पहली टेस्ट जो है 2028 की दिसंबर में 2029 के आसपास इसकी पहली जो टेस्ट फ्लाइट करेंगे ऐसा प्लान किया गया था, जिसके बाद इसकी सारी डेवलपमेंट की जो चीजें थी उनको करने के लिए प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए अभी भी 4 से 5 साल और लगने वाले हैं। और ऐसे 2035 तक वो अपनी एयरफोर्स को
बेहतर बनाने के प्रोग्राम में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसको खरीदने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान के पास डिलीवर होने के लिए 2035 से 40 तक का वक्त लगेगा, जब तक भारत की तरफ से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है भारत खरीद लेगा या खुद ही बना लेगा। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि बार बार हमारा डेवलपमेंट टाइम से पीछे चलता जा रहा है। एमका की जो मार्क वन वेरिएशन है उन्हें 2028 तक सर्विस में एंटर करा लेंगे भारत सरकार, लेकिन अभी 2 से 4 साल पीछे चल रहा है और 2030 के आसपास शिफ्ट हो गया है। इस बीच अगर टर्की की बात करें तो टर्की की तरफ से काफी तेजी से अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने की तैयारी चल रही है, और इनिशियली जो प्लान किया गया था कि 2028 में टर्की अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है यानी कान की टेस्ट फ्लाइट करने वाला था, उसे अभी वो इसी साल दिसंबर में करने वाला है, यानी शेड्यूल से लगभग 5 साल पहले टर्की शुरुआत कर चुका है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने में। अब आप सोचिए कि जिस एयरक्राफ्ट को 2028 की दिसंबर तक टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार करना था उसे दिसंबर 2023 में ही टेस्ट फ्लाइट तैयार कर दिया है, जबकि हमारी डेवलपमेंट जो है इसकी टाइमिंग इसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो अभी अगर हम बात करें टर्की की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो 2023 में अगर वो पहली फ्लाइट को कंप्लीट कर लेगा तो 2028 की दिसंबर तक प्रोडक्शन में पहले घुसा देगा, और ये उससे पहले भी कर सकता है दोस्तों, जिसमें टर्की पाकिस्तान को अपनी कोर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न में इन्वॉल्व कर चुका है, तो सेम टाइम पे पाकिस्तान के पास भी ये प्लेन मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर डिले हुआ तो 2030 तक वो कान को अपनी फाइटर जेट को अपनी मिलिट्री में शामिल कर लेगा। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, जिसपे हम बात करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान हैंडल कर लेगा, लेकिन कैसे करेगा वो चलो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब टर्की जो है शेड्यूल से 5 साल पहले अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकते हैं, तो हम अपनी फाइटर जेट्स को शेड्यूल पे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लेकिन अगर इस बार अगर हम पीछे रहते तो जब तक हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद होंगे उससे पहले ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं, जिससे हमें एमका को अंदर डालने का जो एडवांसमेंट मिलने वाला था वो उतना मिल नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान लगभग हमेशा हमसे बराबरी करने की उसमें होड़ में लगा रहता है, लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन इस बार अगर उसने कर दी हमसे पहले तो थोड़ी समस्या आ सकती है। अभी हम सिंगल फ्रंट की बात करें दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम लाइन पे हम बात कर रहे हैं 2023 तक चाइना के पास 500 ज्यादा जेट मौजूद होंगे, और टू फ्रंट का वॉर हुआ जिसमें हम बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास दोनों दुश्मनों के पास हमारे मुकाबले एयरफोर्स के मामले में काफी एडवांटेजेस मौजूद होंगे, और 270 सुकोई और 36 रफाइल हम इन दोनों से बचा नहीं पाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से हमारी एयरफोर्स के मुकाबले कई गुना ताकतवर होने के बावजूद भी चाइना हमारी एयरफोर्स से हमसे बिटरे से डरता है। वो कारण क्या है? क्योंकि चाइना जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स के साथ वो हमेशा डरा रहता है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लेकिन जहां तक टू फ्रंट की बात करें वहां पे हम कमजोर पड़ सकते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान कैसे तलबे चाटता है चाइना के और उनसे कैसे भीख मांगता रहता है हर समय, और चाइना भी अपने खुद के लालच के लिए भारत पे कई बार वो हमला कर चुका है, उसकी गंदी नजर है। अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, लद्दाख को देख लीजिए, और वही गंदी नजर जो है पाकिस्तान की भी है, और वही चाइना भी पाकिस्तान को कोई सगा नहीं है, चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है सिर्फ भारत के ऊपर कुछ राज्यों पे हमला करने के लिए, अपनी जमीन हड़पने के लिए। लेकिन अब तक भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन जब जब किसी ने भारत के ऊपर भारत माता के ऊपर आंखें उठा के देखी है तो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे वीर सिपाहियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मिट्टी में मिला दिया है। अब कोई भी जंग की बात कर लीजिए, हमारे वेपन बहुत कम थे, हमारी मिलिट्री पावर बहुत कम थी, उसके बावजूद भी हमने अपनी छाती चौड़ी करके उनको उनकी बैंड बजाई और उनको रास्ता दिखाया, चलो वापस चलो। लेकिन दोस्तों आगे जो एडवांसमेंट बदलने वाली है, जब सैनिकों से ज्यादा एयरफोर्स और टैंक और मिसाइल की बात होगी, भारत खुद को सशक्त बना लेगा, यह हमें भरोसा है। अभी चाहे आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन जिस तरीके से भारत अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाए जा रहा है, लगातार खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो दोस्तों बहुत जल्द ही भारत के पास वो पावर और टेक्नोलॉजी होगी जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों बड़े बड़े देश भी इंडिया के झुकने वाले। अगर आप भी भारत माता के सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भारत माता और जय इंडियन आर्मी जरूर लिखे दोस्तों, हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।